निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड के दोषी मुकेश की दया याचिका के निपटारे में क्या राष्ट्रपति ने जल्दबाजी की? क्या उन्होंने सभी तथ्यों को देखे बिना उसकी दया याचिका को ठुकरा दिया? और क्या इस आधार पर उसकी याचिका पर दोबारा विचार होना चाहिए? इन सभी मसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट में मुकेश की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया है कि 14 जनवरी को उसने जेल अधिकारियों को अपनी दया याचिका सौंपी। ये याचिका 16 जनवरी को राष्ट्रपति को मिली और 17 जनवरी को उन्होंने इसे खारिज भी कर दिया। इससे यही लगता है कि उन्होंने याचिका में कही गई सभी बातों पर गौर नहीं किया। मुकेश की वकील का ये भी कहना था कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सभी जरूरी दस्तावेज नहीं भेजे गए राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने याचिका में जो बातें लिखी गई थी उनसे जुड़े दस्तावेजों को देखे बिना फैसला ले लिया है। इसलिए 2006 में एपुरु सुधाकर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि अगर जल्दबाजी में बगैर सभी तथ्यों पर विचार किए बिना राष्ट्रपति या राज्यपाल दया याचिका पर फैसला लेते हैं तो मामला दोबारा विचार के लायक बन जाता है, उनके फैसले पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा विचार कर सकता है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, इस सिद्धांत का पालन किया जाए और मुकेश के मामले को फिर से देखा जाए। इसका विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के लिए पेश हुए थे, उनका ये कहना था कि राष्ट्रपति को सभी ज़रूरी दस्तावेज दिए गए। ये कहना गलत है कि राष्ट्रपति के पास दस्तावेज नहीं थे जब वो दया याचिका पर फैसला ले रहे थे। जल्दबाजी की दलील भी गलत है। अगर किसी की दया याचिका के निपटारे में देरी की जाए, उसको लंबे समय तक लटका कर रखा जाए, तब आधार बन सकता है दया देने का या फांसी को उम्र कैद में बदलने का। ये कोई आधार नहीं बनता है कि दया याचिका पर जल्दी फैसला ले लिया गया। उल्टे सुप्रीम कोर्ट पहले कई मामलों में कह चुका है कि फांसी से जुड़े जो मामले हैं उन्हें लंबे समय तक लटकाया नहीं जाना चाहिए, उन पर तेजी से फैसला लिया जाना चाहिए। इसी का पालन किया गया है और सभी दस्तावेजों को, सभी तथ्यों को देखने के बाद फैसला लिया गया है राष्ट्रपति की तरफ से। मुकेश की वकील की ये भी दलील थी कि उसका जेल में यौन शोषण हुआ था। न सिर्फ उसका यौन शोषण हुआ था बल्कि उसके भाई और मामले के आरोपी रहे राम सिंह का भी यौन शोषण हुआ था। राम सिंह की जेल में हत्या कर दी गई थी उसकी, उसने आत्महत्या नहीं की थी। ये दलील भी मुकेश की वकील की तरफ से दी गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जेल में उसको एकांत में बंद कर दिया गया लंबे अरसे तक। ये एक आधार बनता है फांसी को उम्र कैद में बदलने का, लेकिन जेल अधिकारियों ने राष्ट्रपति के पास इससे जुड़े कागजात नहीं भेजे। सॉलिसिटर जनरल ने इसका भी जवाब देते हुए कहा कि अगर किसी का शोषण हुआ भी हो जेल में तो इसे आधार बनाकर वो दया की मांग नहीं कर सकता है। इस मामले में अपराध को देखते हुए सजा दी गई थी। ये अपराध ऐसा था जहां पर एक लड़की की आंतें निकाल दी गई उसके शरीर के बाहर और उसको सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। इस तरह का अपराध करने वाला व्यक्ति अगर ये कहे कि जेल में मेरा शोषण हुआ है, मेरे भाई की हत्या हुई है, इसलिए मेरे ऊपर रहम किया जाए, तो ये कोई आधार नहीं बनता है। एकांत में रखे जाने की दलील का भी सॉलिसिटर जनरल ने खंडन किया। कहा कि उसको अकेले ज़रूर रखा गया था लेकिन ऐसा उसकी सुरक्षा के लिए किया गया था, उसे बीच बीच में दूसरे कैदियों से मिलने दिया जाता था। इन सभी बातों को कोर्ट ने सुना। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो बातें याचिकाकर्ता की वकील कह रही हैं उन बातों पर राष्ट्रपति ने गौर नहीं किया, इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, क्योंकि तीन अदालतों ने, निचली अदालत ने, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने सभी बातों को सुना था और उन पर फैसला लिया था। वो फैसले राष्ट्रपति के पास रिकॉर्ड में थे। फिर भी याचिकाकर्ता की वकील ने, मुकेश की वकील ने दलीलें जारी रखी और उनका कहना था कि सभी तथ्यों को सुने बिना जल्दबाजी में लिए गए जो फैसला लिया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दे और मुकेश को नए सिरे से मौका दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी बातों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और कोर्ट ने कहा है कि कल इस मामले में फैसला दिया जाएगा। यहाँ आपको ये बताते चलें कि निर्भया कांड के जो चारों दोषी हैं उनकी फांसी की तारीख 1 फरवरी तय की गई है। समय है सुबह 6 बजे का।
तब के लिए डेथ वारंट जारी किया है निचली अदालत ने, और अभी ये डेथ वारंट अस्तित्व में है। ऐसे में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है उसका भी चारों दोषियों की फांसी पर असर पड़ने वाला है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।